फेस्टिव सीजन चल रहा है, बाजार में रौनक है, कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई बर्तन, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी कोई नहीं खरीद रहा। महंगे सोने से गोल्ड ट्रेडर्स के माथे पर बल पड़ गया है। दशहरा बीता, अब दिवाली की रौनक बाजारों में है, लेकिन ज्वेलर्स और गोल्ड ट्रेडर्स के चेहरे मायूस हुए हैं। वजह है गोल्ड की गिरती डिमांड। दरअसल सोने की कीमतों में आई जबरदस्त तेजी ने ग्राहकों को ज्वेलर्स की दुकानों से दूर कर दिया है। अब ट्रेडर्स को लगता है कि दशहरे के बाद उनकी दिवाली भी फीकी रहने वाली है। कुछ ट्रेडर्स के मुताबिक इस दशहरे में सोने की बिक्री पिछले बार से 50 से 80% तक कम हुई है। दिवाली में भी गोल्ड डिमांड सुधरने की कोई आशा नहीं दिख रही है। हो गया है कि सडनली ऑलमोस्ट इन द लास्ट 2-3 मंथ्स 15 से 20% प्राइस हाई हो गया है। अगर आप देखेंगे तो नाउ ऑलमोस्ट इट इज नियरिंग 40,000, राइट? सो कस्टमर्स थोड़ा सा, देर इज अ स्लाइट ब्रेक इन द बाइंग, बिकॉज कुछ भी चीज़ अगर इतनी जल्दी फास्ट अप जाती है तो वो प्राइस थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए कस्टमर को थोड़ा टाइम लगता है। सोने की कीमत बीते कुछ दिनों से नम जरूर पड़े हैं, लेकिन 40,000 का स्तर छूने के बाद रिटेल खरीदारों के सेंटीमेंट्स खराब हुए हैं। मुंबई के जवेरी बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 38,000 रुपए से ऊपर है। 3% GST लगाने के बाद भाव 40,000 के करीब पहुंच जाता है, जो पिछले दिवाली के भाव से करीब 20% ज्यादा है। दूसरी वजह, डीलर्स की तरफ से सोने पर मिलने वाला डिस्काउंट भी घटा है। 10 ग्राम सोने पर डीलर $20 का डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि पहले $55 से $57 हुआ करता था। एक बुलियन डीलर को सोने पर 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी और 3% GST भी देना होता है। इससे सोने का थोक रेट काफी बढ़ जाता है। सोने की कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह है चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर। हांगकांग, सिंगापुर और जापान में भी सोने की कीमत आसमान पर है। भारत में सितंबर में सोने का इंपोर्ट 68% तक गिरा है, जो कि बीते 3 साल से सबसे कम है, क्योंकि रिटेल बिक्री में जबरदस्त गिरावट आई है। चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो अभी तक वहाँ उसमें कोई कंक्लूजन दिख नहीं रहा, और चाइना के बैंक जो हैं वो काफ़ी गोल्ड ले रहे हैं, तो गोल्ड कमती तो नहीं, पर हो सकता है बढ़ जाए थोड़ा यहाँ से। तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बेंचमार्क है और यहाँ से और बढ़ने की जो है काफ़ी चांसेस हैं। बावजूद इसके ट्रेडर्स की नज़र दिवाली पर टिकी है। अगर सोने के भाव गिरे तो सेंटीमेंट सुधरेंगे और डिमांड बढ़ेगी। ऐसे में सोने की बिक्री एक बार फिर जोर पकड़ सकती है। नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। दिल्ली में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G की चर्चा जोरों पर है। देश विदेश की कंपनियों ने भारत में 5G टेक्नोलॉजी पर काम करने की इच्छा जताई है। हुआवे इंडिया ने भारत में 5G क्रांति का हिस्सा बनने की उम्मीद जताई है। कंपनी के CEO जे चेन से बात की जी बिजनेस संवाददाता दानिश आनंद ने। I've been joined by Mr. Jay Chen, he's the CEO of Huawei. So thank you so much for talking to Zee Business. First of all, I would like to ask you, you know, there's a lot of uncertainty regarding the company's future in India when it comes to 5G. And there's a lot of geopolitical thing which is happening around. So how do you read this, and do you see any future of your company in India? We think India government and the India industry and the India customers have their full confidence on Huawei. I also have my confidence for Huawei 5G in India. So if we talk about the global scenario with the trade war going on in between USA and China, and USA is now, according to a few reports, USA is trying to push its allies to, you know, also ban Huawei. So do you think that happening? And if that happens, how would you navigate from this problem? US actually is not so important. The important part is the India government. India government will make their independence and benefit to India position. So that's what I believe.